हेलो बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पुरस्कार और दंड। आपके सिलेबस का अभिप्रेरणा से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको अभिप्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती है? जब आपको पुरस्कार मिलता है। जब बेटा आपको पुरस्कार मिलता है तो क्या होता है, आपको अभिप्रेरणा मिलती है। अभिप्रेरणा में ही कहीं ना कहीं आपने इतनी बार पुरस्कार शब्द का नाम सुन लिया होगा कि इस वाले टॉपिक को पढ़ना भी बहुत जरूरी हो गया था। चलिए देखते हैं, तो बात करेंगे हम लोग किसकी, बात करेंगे हम लोग बेटा पुरस्कार और दंड की। तो क्या होता है पुरस्कार, क्या होता है दंड, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हेडिंग बना लीजिएगा बेटा, सबसे पहले हेडिंग बना लीजिएगा बेटा, क्या पुरस्कार, सबसे पहले हेडिंग बना लीजिएगा पुरस्कार। पुरस्कार यानी कि क्या, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड किस चीज के लिए आपको पुरस्कार दिया जाता है, सबसे पहली बात तो जानने वाली यही हो जाती है कि किस चीज के लिए आपको पुरस्कार दिया जाता है। तो आप जब कोई अच्छा काम करते हो तो आपको पुरस्कार दिया जाता है। क्या होता है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है पुरस्कार। तो यानी कि इसको अगर हम लोग एक सिंपल सी भाषा में परिभाषित करना चाहें, तो आप अच्छा काम करते हो तो क्या आप अच्छे काम को रोक देना चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि आपको बार बार पुरस्कार मिले, आप उस काम को बार बार करो। आप उस काम को बार बार करो से क्या अर्थ है कि किसी भी वांछनीय कार्य के लिए दिया गया प्रोत्साहन, किसी वांछनीय कार्य के लिए दिया गया प्रोत्साहन क्या है बेटा, पुरस्कार है। किसी वांछनीय कार्य के लिए दिया गया प्रोत्साहन पुरस्कार है, पहला पॉइंट। किसी वांछनीय कार्य, किसी वांछनीय कार्य के लिए, किसी वांछनीय कार्य के लिए दिया गया प्रोत्साहन, किसी वांछनीय कार्य के लिए दिया गया प्रोत्साहन क्या है, पुरस्कार है। किसी भी वांछनीय कार्य के लिए दिया गया प्रोत्साहन पुरस्कार है। एग्जाम्पल में समझे तो जैसे कक्षा में जो बच्चा सर्वाधिक अंक लाता है उसको क्या करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको दो टॉफी से संतुष्ट कराया जाता है, एक पेंसिल से संतुष्ट कराया जाता है। इसी तरह से जब आप लोग हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हो तो आपके लिए मेडल्स का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है कि हाँ 15 अगस्त है, 26 जनवरी, तो इन लोग को मेडल दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप अपने क्लास में फर्स्ट है, आपके मम्मी पापा को बुलाया जाएगा, स्टेज पे सम्मानित किया जाएगा। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बेटा आपके पुरस्कार है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। कक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी को छात्रवृत्ति, कक्षा में सर्वाधिक अंक, कक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी को छात्रवृत्ति, कक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी को छात्रवृत्ति। इससे क्या होता है, आपको एक प्रोत्साहन ही तो होता है बेटा कि आज आप जब आप देखते हो, मान लिया आप सेकंड आए थे, थर्ड आए थे, तो आप क्या देखोगे कि उसको देखो वो फर्स्ट आया तो उसको छात्रवृत्ति मिली, यानी कि नेक्स्ट टाइम, इस बार तो उसको मिल गई लेकिन नेक्स्ट टाइम इस वाली छात्रवृत्ति को मैं हासिल करके रहूंगा, यही तो आपकी सोच होती है। तो क्या होता है कि कक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी को छात्रवृत्ति, इस छात्रवृत्ति से क्या होगा, ये छात्रवृत्ति क्या हमारी आर्थिक सहायता कर देगी, क्या इतना रुपया मिलता है कि हमारी साल भर की फीस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ये क्या होता है, ये आपके लिए बस एक सिंपल सा एक प्रोत्साहन होता है। क्या होता है, आपके लिए सिंपल सा एक प्रोत्साहन होता है। और पुरस्कार क्या होता है, किसी वांछनीय कार्य के लिए दिया गया प्रोत्साहन पुरस्कार होता है। तो आपको जो कक्षा में छात्रवृत्ति मिलती है इससे आपका प्रोत्साहन होता है। इस प्रोत्साहन को हम लोग अगर देखें किस रूप में, तो इसको हम लोग बेटा देख सकते हैं किसके रूप में, पुरस्कार के रूप में, किसके रूप में, पुरस्कार के रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है बेटा, कुछ परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की जो आपकी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, मतलब जो परिभाषाएं पुरस्कार से जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है वो रहती है बेटा किसकी, तो वो रहती है परिभाषाओं की, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की कुछ परिभाषाएं हैं उनको हम लोगों को देखना है बेटा। परिभाषा, सबसे पहली जो परिभाषा है बेटा वो हम लोग को देखनी है रायबर्न की, रायबर्न की परिभाषा है हम लोग के पास, जिसको हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या कहा था रायबर्न ने कि पुरस्कार बालक में सर्वोत्तम कार्य करने की, पुरस्कार जो है वो बालक में सर्वोत्तम कार्य करने की भावना को जागृत करता है, पुरस्कार जो है वो बालक में सर्वोत्तम कार्य करने की भावना को जागृत करता है। ठीक है बेटा,
चलिए देखते हैं, लिख लीजिएगा, रायबंड के अनुसार पुरस्कार बालक में सर्वोत्तम कार्य करने की भावना को जागृत करता है। मतलब सबसे उत्तम, सबसे अच्छा कार्य करने की भावना, यही तो होता है पुरस्कार। पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, तो पुरस्कार अगर मिलेगा तो बालक अच्छा काम करेगा, तो पुरस्कार बालक में सर्वोत्तम कार्य करने की भावना जागृत करता है। पुरस्कार बालक में सर्वोत्तम कार्य करने की भावना जागृत करता है। ठीक है बेटा, ये हो गई आपकी पहली परिभाषा। नेक्स्ट परिभाषा जो हम लोग को देखनी है वो है बेटा किसकी, तो नेक्स्ट परिभाषा जो हम लोग को देखनी है वो है शिवार्ड की। शिवार्ड ने क्या कहा है कि पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए संबंधित कार्य से सुखद स्मृति का संयोजन है। पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए संबंधित कार्य से सुखद स्मृति का संयोजन है, इसको समझिएगा। चलिए देखते हैं बेटा, इसको समझेंगे भी हमें, हम लोग आराम से समझेंगे, इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं। किसकी परिभाषा है, तो शिवार्ड की परिभाषा है। शिवार्ड की परिभाषा है पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव, पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए संबंधित कार्य से पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए संबंधित कार्य से सुखद स्मृति का संयोजन है। सुखद स्मृति का संयोजन है। आई बात बेटा समझ में? पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए जो व्यवहार आप कर रहे हो उस पर अनुकूल प्रभाव डालने से क्या मतलब हुआ कि आप उस व्यवहार के लिए, मतलब आप उस व्यवहार को करते रहें, उस व्यवहार को आप करते रहें, उसको कंटिन्यू रखें, इसके लिए क्या करना है, संबंधित व्यवहार कार्य से सुखद स्मृति का संयोजन है। आपको एक अच्छी मेमोरी से आपने जिस व्यवहार को, जो एक अच्छा व्यवहार किया, एक जो अच्छा काम किया है, वो आप कंटिन्यू रखो, वो आप करते रहो, इसके लिए, उसके लिए एक सुखद स्मृति से, यानी कि एक अच्छी वाली फीलिंग के लिए, एक अच्छी याद बनाने के लिए उसको उसे जोड़ दिया जाता है, ताकि आपको याद रहे कि जब मैं फर्स्ट आया था, या मैंने जब सच बोला था, या जब मैंने ईमानदारी दिखाई थी, तो मुझे पुरस्कार मिला था। एक अच्छी याद बन जाए आपके जीवन में, और उस याद के जरिए आपको आगे जब भी कभी अच्छा करने का मौका मिले, तो आप हमेशा से उस बात को याद रखो, और आगे ऐसा वैसा ही व्यवहार करो, बस इतनी सी बात थी शिवार्ड की परिभाषा में बेटा। एक और परिभाषा हम लोग को देखनी है, वो है हरलॉक साहब की परिभाषा। हरलॉक ने कहा है, वांछनीय कार्य को सुखद सहचर्य से जोड़ना पुरस्कार है। सिंपल सी बात, सेम बात जो ऊपर कही गई है वही वाली बात है। क्या कहा था, वांछनीय कार्य को सुखद सहचर्य से जोड़ना, वांछनीय कार्य को सुखद सहचर्य से जोड़ना, वांछनीय कार्य को सुखद सहचर्य से जोड़ना पुरस्कार है। वांछनीय कार्य को सुखद सहचर्य से जोड़ना पुरस्कार है।
सिंपल बेटा, जो ऊपर से परिभाषा आपने पढ़ी बिल्कुल वही चीज कहा गया है कि वांछनीय कार्य को सुखद सहचर्य से जोड़ना पुरस्कार है। मतलब जो काम हम आपसे करवाना चाहते हैं, जो काम हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको करते रहो, उसको एक सुखद सहचर्य से यानी कि एक सुखद याद से जोड़ देना। जो काम हम आपसे करवाना चाहते हैं कि आप इसको बार बार करो बार बार करो, जिससे लोगों का फायदा हो आपका फायदा हो, उसको दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, उसको एक सुखद याद के साथ सुखद सहचर्य के साथ जोड़ना पुरस्कार है। बेटा सिंपल सी बात जो ऊपर कही गई थी वही वाली बात यहां पर भी कही गई है, बस शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है। वहां पे क्या था कि पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए, यानी कि अनुकूल प्रभाव यानी कि उसके फेवर में प्रभाव डालने के लिए संबंधित कार्य से एक सुखद स्मृति को जोड़ना पुरस्कार बताया था शिवार्ड ने, और वहीं वांछनीय कार्य को सुखद सहचर्य से जोड़ना पुरस्कार है, ये कहा है हरलॉक ने। बहुत सिंपल सी परिभाषा, और पुरस्कार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, हरलॉक वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हरलॉक वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी एक इसमें एक और इंपॉर्टेंट हम लोग को चीजें पढ़नी है, वो है बेटा पुरस्कार के प्रकार। आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पुरस्कार के कितने प्रकार होते हैं, तो पुरस्कार के प्रकार भी हम लोग देख लेते हैं आज की क्लास में। पुरस्कार के प्रकार देखो, आप कितने तरीकों से बेटा आपको पुरस्कृत हम कर सकते हैं ये देखना है हम लोगों को। तो एक, दो, देखिए बेटा आपको पुरस्कार या तो हम मूर्त दे सकते हैं या अमूर्त दे सकते हैं, या तो मूर्त पुरस्कार देंगे या तो अमूर्त पुरस्कार देंगे। आप मूर्त पुरस्कार और अमूर्त पुरस्कार से क्या समझते हैं बेटा, ये वाली बात आती है। तो क्या समझते हैं आप लोग मूर्त पुरस्कार से और क्या मूर्त? बेटा जो चीज चाहे आप, वो मूर्त थिंकिंग हो मतलब मूर्त चिंतन हो या मूर्त पुरस्कार हो, दोनों में बात सेम आती है कि जब आप चीजों को देख लेते हो, जब आप चीजों को देख लेते हो वो मूर्त रूप से आपके सामने मौजूद हो, जिनको हम देख लें आप देख लें, तो क्या हो जाएगा, वो मूर्त पुरस्कार हो जाएगा। जब चीजें सामने दिखती हैं तो क्या होता है, वो होता है बेटा मूर्त पुरस्कार। जैसे आपको कॉपी दिया, पेन दिया, मेडल दिया, ट्रॉफी दिया, तो ये सब क्या है बेटा, ये सब मूर्त पुरस्कार है। कॉपी, ट्रॉफी, ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा आपका मूर्त पुरस्कार। वही बात अगर हम लोग अमूर्त पुरस्कार की करें बेटा, तो जो चीज आप महसूस करते हो, जो चीज आप, हम, कोई भी हो उसको महसूस करता हो, जो कि हम आपको कोई दे और कोई अन्य ना देखे, जिसको दी गई हो वो महसूस करता हो कि हाँ कितनी अच्छी बात है, आज क्लास में मेरी तारीफ हुई है, आज मैंने शाम को 6 बजे वाली क्लास में आज मैं धुरंधर बना हूं, आज जब वो बच्चा जो भी क्लास में मेरी फर्स्ट आता है उसको जो फीलिंग होती है, उसकी तारीफ होती है, जो वो क्या है, वो अमूर्त पुरस्कार है। क्यों? उसकी मेहनत का नतीजा है वो भी सुखद सहचरी है, वो भी सुखद सहचरी। आपकी क्लास में 100 बच्चा बैठा है और 100 में से आपको अकेले खड़े करके आपकी तारीफ कर दी जाए, तो क्या है, वो भी एक तरह से पुरस्कार है। कैसा पुरस्कार है? अमूर्त पुरस्कार है। तो अमूर्त पुरस्कार में का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? प्रशंसा। आपकी प्रशंसा क्या है? एक अमूर्त पुरस्कार है। तो इसको अमूर्त पुरस्कार में लिख सकते हैं हम लोग, क्या? प्रशंसा को लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा और कुछ और पुरस्कार के प्रकार देखेंगे। एक होता है बेटा सामूहिक पुरस्कार, एक होता है व्यक्तिगत पुरस्कार। तीसरा, सामूहिक पुरस्कार। एक होता है बेटा आपका क्या? सामूहिक पुरस्कार। और एक क्या होता है आपका? एक होता है बेटा आपका व्यक्तिगत पुरस्कार। चलिए आइए इसको देख लेते हैं बेटा। जब समूह को पुरस्कार मिलता है, जैसे जब आपने क्रिकेट मैच देखा है, तो क्रिकेट क्या एक व्यक्ति का गेम होता है? क्रिकेट क्या एक व्यक्ति का गेम होता है? नहीं ना, पूरी टीम मिलकर खेलती है, सब मिलकर एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं तब एक टीम जीतती है। भाई अगर मान लिया आज वीरेंद्र सहवाग गए, महेंद्र सिंह धोनी गए, विराट कोहली गए और 100 रन मार के आए, शतक, वाह वाह, सब लोग ताली बजा रहे, वाह 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 वाह, महेंद्र सिंह धोनी ने 100 रन बनाए, बहुत बढ़िया, मुझे भी मजा आया, बैटिंग देखी अच्छी लगी। इधर से आ गए रविचंद्रन अश्विन, हरभजन सिंह, डेल स्टेन, विराट कोहली, मतलब मोहम्मद शमी, कोई भी आ गया, कोई भी बॉलर आ गया, बुमराह आ गए, भुवनेश्वर कुमार आ गए, कोई भी बॉलर आ गया और उसने क्या किया, अपने 10 ओवर में 100 रन देके आ गया, 10 ओवर में वो 100 रन देके आ गया। अब वो बंदा 100 रन देके आ गया, टीम आपकी क्या जीतेगी? टीम नहीं जीतेगी ना। महेंद्र सिंह धोनी ने लाख मेहनत की थी और 100 रन बनाए थे, लेकिन एक बॉलर के 100 रन दे देने से पूरी टीम आपकी हार जाएगी। लेकिन तो यानी कि यहां पर हम क्या कह सकते हैं
कि जीतना हारना जो है ये पूरे एक समूह का होता है, जीतना हारना एक समूह का होता है, तो यानी कि पुरस्कार किसको मिलेगा, पूरे एक समूह को मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, सामूहिक पुरस्कार बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो क्या, इसके एग्जाम्पल में बेटा आप लिख सकते हो क्रिकेट मैच, इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो क्या क्रिकेट मैच या कोई भी मैच, हॉकी मैच, टेनिस मैच, सब जो जितनी भी चीजें एक ग्रुप में होती हैं, जितनी भी चीजें एक ग्रुप में होती हैं उसको क्या बोलते हैं क्रिकेट मैच। जैसे आप सभी ने अगर कॉन्वेंट स्कूल में जो लोग पढ़े होंगे या फिर आपके सभी के स्कूल में लगभग लगभग होता था कि गांधी हाउस, सुभाष हाउस, ऐसे हाउस बनाए जाते थे, तो उसमें एक हाउस जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता था, जिसकी डिसिप्लिन सबसे अच्छी होती थी, जो विद्यालय की सभी गतिविधियों में अच्छे से भागीदारी लेता था, उस हाउस को क्या पुरस्कार पुरस्कृत किया जाता था। और पुरस्कृत किया जाता था तो क्या होता था, क्या किसी एक व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता, पूरे हाउस को पुरस्कृत किया। अब उस हाउस में उस स्कूल के हर क्लास से विद्यार्थी होते थे, वो सभी पुरस्कृत होते थे, ट्रॉफी किसी एक के हाथ में दी जरूर भर जाती थी, लेकिन वो सम्मान किसका होता था, वो पूरे पूरे हाउस का होता था। क्या होता था, सामूहिक पुरस्कार होता था जो आपसे जुड़ा था। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा, आप क्रिकेट मैच, टेनिस मैच, हॉकी मैच, जो मैच लिखना चाहो लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा क्या, व्यक्तिगत पुरस्कार। क्या आता है, व्यक्तिगत पुरस्कार, जब किसी एक व्यक्ति को अकेले, जब किसी एक व्यक्ति को अकेले बुलाकर उसको उसकी अचीवमेंट के लिए पुरस्कार दिया जाता है। जैसे क्रिकेट मैच में ही बात कर लें, भले ही कि पूरी की पूरी टीम जीती हो तो उसको बुला के सामूहिक पुरस्कार, जीतने पर उसको एक क्या सामूहिक पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन क्या मैन ऑफ द मैच भी टीम का हर प्लेयर होता है, क्या मैन ऑफ द मैच भी टीम का हर प्लेयर होता है, नहीं होता है ना। टीम का मैन ऑफ द मैच जो होता है बेटा वो कोई एक प्लेयर होता है, टीम का जो मैन ऑफ द मैच होता है बेटा वो कोई एक प्लेयर होता है, तो उससे हम क्या कह सकते हैं, वो उसका क्या है, व्यक्तिगत पुरस्कार है। क्लास में फर्स्ट आने पर क्लास का अच्छा प्रदर्शन में हो सकता है कि पूरी क्लास ने अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन क्लास में फर्स्ट कौन आता है, कोई एक बच्चा आता है, और उसको जब अकेले बुलाकर पुरस्कृत किया जाता है स्टेज पर, तो उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत पुरस्कार। तो इसमें आप मैन ऑफ द एग्जाम्पल और क्लास में फर्स्ट आने वाला एग्जाम्पल दोनों लिख सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार है। क्लास में फर्स्ट आने पर, क्लास में फर्स्ट आने पर क्या मिलता है, क्लास में फर्स्ट आने पर आपको बेटा क्या मिलता है, आपको मिलता है व्यक्तिगत पुरस्कार। ठीक है बेटा, क्या मिलता है आपको, पुरस्कार मिलता है आपको व्यक्तिगत, जब आप अकेले की अचीवमेंट करते हो। पुरस्कार देते वक्त बेटा पुरस्कार जितनी अच्छी चीज है उतनी ही घातक चीज है, पुरस्कार जितनी अच्छी चीज है उतनी ही घातक चीज भी है, पुरस्कार देते वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखना है। पुरस्कार देते वक्त ध्यान में रखने योग्य बात, लंबा हो जाएगा इसको शॉर्ट में लिखते हैं, पुरस्कार देते वक्त सावधानियां, कि हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, जब हम भी किसी को पुरस्कार दे रहे हैं तो हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए बेटा, पुरस्कार देते वक्त कौन कौन सी सावधानियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पुरस्कार देते वक्त सावधानी नहीं रखोगे तो हो सकता है कि किसी बच्चे को बुरा लग जाए, वो आके जो क्लास में फर्स्ट आया उसका गला ही काट दे, उसको दो थप्पड़ मार ही दे स्टेज पे आके। तो पुरस्कार देते वक्त सावधानियां रखनी चाहिए कि जिसको भी पुरस्कार मिले वो डिजर्विंग हो, जिसको भी पुरस्कार मिल रहा है वो डिजर्विंग है या नहीं है, तो ये इस चीज का बहुत ही खासा ख्याल रखना है। मूर्त पुरस्कार उतना अच्छा उतना प्रभावी नहीं होता है, तो मूर्त पुरस्कार पर हमको ज्यादा बल नहीं देना है, हमको ज्यादा बल किस पे देना है, हमको बल देना है बेटा किस पे, अमूर्त पुरस्कार पे बल देना है। एक एक करके सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं, अभी आपको सारी पॉइंट्स जो मैंने अभी बताई वही सारी चीजें पॉइंट्स के रूप में आ जाएंगी, हो सके तो अमूर्त पुरस्कार को वरीयता दें, अमूर्त पुरस्कार को हो सके तो अमूर्त पुरस्कार को वरीयता दें, पहली बात। दूसरी बात क्या है, पुरस्कार में दैनिक जीवन की वस्तुएं या पढ़ाई लिखाई की वस्तुएं दे, यानी कि आए क्लास में फर्स्ट है हाई स्कूल में और दे दिया 10 लाख रुपए कि जाओ बेटा BMW खरीद लो, बच्चे के दिमाग वहीं से खराब हो जाएगा, हो सके तो पढ़ाई लिखाई की वस्तुएं दें ताकि जो उसके काम में आ जाए, भाई पेन दे दो, कोई अच्छी सी किताब दे दो, कॉपी दे दो, रजिस्टर दे दो, 10 नहीं 20 दे दो, हो सके तो पढ़ाई लिखाई की वस्तुएं दें। हो सके तो पढ़ाई लिखाई की उसके वस्तुएं दें। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, पुरस्कार की आदत नहीं बनानी कि हर छोटा काम किया लियो पुरस्कार, हर का छोटा काम किया लियो पुरस्कार, इससे क्या होगा कि बच्चों को पुरस्कार की आदत पड़ जाएगी, बच्चे को क्या होगा
पुरस्कार की आदत पड़ जाएगी, उसके लिए पुरस्कार का जो महत्व होता है, पुरस्कार को पाने की जो ललक होती है वो समाप्त हो जाएगी। अरे यार कल मिला था आज नहीं मिला, क्या हो गया, कुछ नहीं। पुरस्कार पाने की जो ललक है वो बरकरार रहनी चाहिए। ऐसे समय पर पुरस्कार दीजिए कि बच्चा पूरे सालों साल उसके लिए रगड़ता रहे, उसके लिए मेहनत करता रहे, तब जाके उसको उस पुरस्कार की कीमत पता चलती है कि हाँ पुरस्कार पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो पुरस्कार को लगातार नहीं देना है, पुरस्कार को एक लंबी अंतराल पे देना है। तो छोटी छोटी बातों के लिए पुरस्कार ना दें, छोटी छोटी बातों के लिए पुरस्कार ना दें। छोटी छोटी बातों के लिए पुरस्कार ना दें, ये वाली बात हो जाती है बेटा यहां पे आपकी। एक बात और देखते हैं, पुरस्कार में जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि पता नहीं लड़का हाई स्कूल में फर्स्ट आ गया है, अब वो भी स्कूल टॉप भी नहीं किया, कॉलेज टॉप भी नहीं किया, कुछ भी टॉप नहीं किया, बस फर्स्ट डिवीजन मेरा लड़का पास हो गया, तो क्या करना है इसके लिए? 10 लाख रुपए नहीं देना है, देना है तो भाई 500 रुपए दे दो, जाओ दोस्तों के साथ पार्टी कर लो, मिठाई खिला दो, इतनी चीजें समझ में आती है, अपने गुरुजनों को मिठाई खिला दो बस। तो पुरस्कार में बड़ी धनराशि नहीं देनी है, पुरस्कार में बड़ी धनराशि ना दें, पुरस्कार में बड़ी धनराशि ना दें। ये बात की बात हो गई बेटा कि पुरस्कार में कभी भी बड़ी धनराशि का प्रयोग नहीं करना है कि 10 लाख रुपए दे दिया, 20 लाख रुपए दे दिया, ऑडी दे दिया, मर्सिडीज दे दिया। पुरस्कार देने से पहले पुरस्कार के कुछ बेटा मानक होने चाहिए ताकि हर बच्चे को पता रहे कि अगर मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना अचीव किया तो मुझे पुरस्कार मिलने वाला है। तो इस ताकि हर बच्चा मेहनत करे, किसी एक बच्चे की जागीर ना बने, तो इसके लिए पहले से हमको क्या करना है, कुछ स्टैंडर्ड बना देना है, कुछ मापक मानक बना देना है। पहले से पुरस्कार के मानक निश्चित हों, पहले से पुरस्कार के मानक निश्चित हों, ताकि हर बच्चा, भाई सही बात है ना कि हर बच्चा मेहनत करे, सबको पुरस्कार मिले। आपने अचानक बता दिया कि ले अब 90% वाले को मिलेगा, अब कोई बच्चा 89 पे रुक गया हो तो बच्चा कोशिश करेगा, मेहनत करेगा। अगर उसको पहले से बता, हो सकता है एक नहीं चार बच्चा मेहनत करके 90% ले आए अगर आपने पहले से मानक बना दिया। इससे क्या होता है, मेहनत करने की जो कैपेसिटी होती है बेटा वो इंक्रीज करती है, मेहनत करने की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है अगर आप पहले से निश्चित कर देते हो। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर प्रिंसिपल साहब का लड़का है तो ये जरूरी नहीं कि आप उसी को पुरस्कार दें, जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टर साहब का लड़का है तो उसी को पुरस्कार दें, जरूरी नहीं कि गणित के विषय का अगर गणित मास्टर है तो उसकी बच्चे को पुरस्कार मिले, या कोई ऐसा दानकर्ता आपके स्कूल में है, ट्रस्टी है जिसके जो बहुत पैसे वाला है तो उसको पुरस्कार देंगे ताकि उसके मम्मी पापा खुश हो जाएं और आपकी फीस में 1000 रुपए की एक्स्ट्रा इस बार बढ़ोतरी कर दें। ऐसा नहीं करना है कि हाँ स्कूल में 1000 रुपए फीस ज्यादा आ जाएगी इस वजह से उसके उनके लड़के को पुरस्कार दे दें। तो पुरस्कार देने में जो सबसे जरूरी बात मेरे अनुसार है कि पुरस्कार देने में समय जरा सा भी आपके दिमाग में किसी के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए, यानी कि पुरस्कार देते वक्त निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुरस्कार देते समय निष्पक्ष रहें, पुरस्कार देते समय निष्पक्ष रहें, पुरस्कार देते समय निष्पक्ष रहें। पुरस्कार के बेटा ये हो गई कुछ सावधानियां, इसके बाद हम लोग को पुरस्कार के कुछ लाभ और पुरस्कार के कुछ हानियां देखनी है, उनको देख लेते हैं। पुरस्कार के लाभ हेडिंग बनाइएगा, पहले भाई हानियां बाद में देखते हैं, पहले लाभ वाली बात कर लेते हैं। देखो फायदे की बात हर कोई करना चाहता है तो हम भी फायदे की बात करेंगे, पुरस्कार के लाभ देखते हैं बेटा, पुरस्कार के क्या क्या लाभ होते हैं। तो बेटा पुरस्कार के कई ढेर सारे लाभ हैं, कौन कौन से लाभ हैं उनको देख लेते हैं। पहली बात तो कि अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा होता है कि आप भी मेहनत करो, आपको भी अगले साल ये वाली चीज मिल सकती है, जो आज किसी एक बच्चे को मिली है वो आपको भी मिल सकती है। तो ये अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा होती है, अन्य बच्चों के लिए क्या होता है, अन्य बच्चों के लिए बेटा प्रेरणा होती है पुरस्कार। और क्या होती है कि ये वांछनीय व्यवहार का पुनर्बलन होता है, अगर हमने अच्छा किया
हमको आपने इस बार पुरस्कृत कर दिया, आपने बता दिया। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपने कहीं इस क्लास में गलती से लिख दिया कि सर आपने तो बहुत बढ़िया पढ़ाया, तो अगली बार हो सकता है जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊं तो, या कोई और टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, तो आपने मेरी तारीफ कर दी कि सर आप बढ़िया पढ़ा रहे हो, आप अच्छा करो, तो मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि मेरी अगली वीडियो पे फिर कमेंट आए कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, ये बात आप दोबारा से लिखो, इसके लिए मैं डबल मेहनत करूंगा। तो क्या होगा, वांछनीय व्यवहार का पुनर्बलन होता है। आप मेरी तारीफ करते हुए क्या है बेटा, ये आपका एक अमूर्त पुरस्कार है मेरे लिए, वांछनीय व्यवहार का पुनर्बलन, वांछनीय व्यवहार का पुनर्बलन हो जाता है बेटा, क्या आपका यह हो जाता है, दोनों आपके बेटा पुरस्कार के लाभ हैं। हानियां देखते हैं क्या क्या है पुरस्कार की। पुरस्कार की हानियां क्या क्या है बेटा, पहली सब बेटा जो दिक्कत है वो है पक्षपात की संभावना। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप जिस बच्चे को ज्यादा पसंद करते हैं, जो आपकी चापलूसी करता है, जो आपके आगे पीछे लगा रहता है, आप उसको थोड़ा सा फेवर करने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है कि कहीं अगर 19-20 का अंतर हुआ, 19-20 का अंतर हुआ तो आप कोशिश करोगे कि मेरा वाला बच्चा जीत जाए, जो क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी ज्यादा इज्जत देता है, तो पक्षपात की संभावना बनी रहती है। हाँ, आपने पक्षपात किया, अंतर सिर्फ 19-20 का था, किसी को पता नहीं चला कि पुरस्कृत किसे करना चाहिए और पुरस्कार मिल गया उसे, लेकिन इससे क्या होगा कि जो बच्चा उससे थोड़ा सा 20 होगा उसका दिल टूट जाएगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं दिया, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं दिया, तो उससे क्या होता है कि पक्षपात की संभावना बनी रहती है। क्या होता है बेटा, पक्षपात की संभावना बनी रहती है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, पहली भी दिक्कत तो पक्षपात की संभावना हो गई, दूसरी दिक्कत क्या है कि बच्चा पुरस्कार पाने के लिए हर रास्ते से करो या मरो वाली स्थिति ले आता है, करो या मरो वाली स्थिति ले आता है कि कैसे भी हो मुझे इस बार पुरस्कार लेना है तो लेना है सही रास्ते से, मतलब अगर सीधी उंगली से घी निकले तो निकले, नहीं निकलेगा तो वो उंगली टेढ़ी भी करना जानता है, वो बच्चा उंगली टेढ़ी भी करना जानता है, वो टेढ़ी उंगली से घी निकालेगा, यानी कि अनैतिक साधनों का प्रयोग करेगा, यानी कि नकल वकल करने की संभावना बढ़ जाती है सिर्फ इस पुरस्कार की वजह से, अनैतिक साधनों का प्रयोग। गलाकाट प्रतियोगिता को भी बढ़ावा देता है ये, अनैतिक साधनों का प्रयोग हो गया बेटा। और क्या होता है, अधिगम में स्वाभाविक प्रेरणा की कमी होती है, जो एक स्वाभाविक प्रेरणा होती है कि मुझे पढ़ना है, जब तक आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, अटके रहोगे कि नहीं कर लेंगे कर लेंगे, एक जो स्वाभाविक चीजें होती हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, आप पुरस्कार पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हो। अधिगम की स्वाभाविक प्रेरणा में कमी आती है बेटा, अधिगम की स्वाभाविक प्रेरणा में कमी, अधिगम की स्वाभाविक प्रेरणा में कमी आ जाती है। और क्या होता है बेटा, गलाकाट प्रतियोगिता का विकास हो जाता है, मतलब मार डालेंगे अगर हम तुमको, अगर हमको हमको इस बार हमारी तारीफ नहीं करे तो मार डालेंगे तुमको, जान लो इस बार कमेंट कर देना, तारीफ वारीफ कर दिया करो, पढ़ाते हैं इतनी मेहनत से, इतनी गर्मी में पढ़ा रहे, लेकिन नहीं तुम लोगों को कुछ है नहीं। गलाकाट प्रतियोगिता का विकास है, गलाकाट प्रतियोगिता का विकास मतलब तुमको जान से मार देंगे लेकिन आएंगे तो हम ही क्लास में फर्स्ट, ठीक है, तुमको मार देंगे लेकिन क्लास में हम ही फर्स्ट आएंगे, गलाकाट प्रतियोगिता का विकास हो जाता है पुरस्कार की वजह से बेटा। तो ये कहीं ना कहीं कुछ खामियां रहती हैं आपके पुरस्कार की, एक बार आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे की बात करने वाले हैं। जल्दी से सभी लोग इसको देख लीजिएगा बेटा, सभी लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको। चलिए तो बेटा ये सारी बातें हो गई आपकी किसकी, ये सारी बातें हो गई आपकी पुरस्कार की, अब हम लोग को बात कर किसकी पे करनी है, हम लोग को बात करनी है किसकी, पुरस्कार और दंड। जो दूसरी बात है हमको करनी है वो किसकी है, दंड की। दंड मतलब क्या, पनिशमेंट। किसकी बात है बेटा, तो ये पनिशमेंट की बात होती है, याद रखिएगा पुरस्कार और दंड जो आपका टॉपिक है ये आपके सुपरटेट के जीवन कौशल वाले पार्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन आप आपके सिलेबस में है, और जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो उनके लिए तो ये वाला टॉपिक है ही है, आपके अभिप्रेरणा के टॉपिक के अंतर्गत आता है पुरस्कार और दंड, तो ये आपके एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, और जो लोग सुपरटेट की तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये वाला चैप्टर कहाँ आता है, जीवन कौशल में आता है। कहाँ पे आता है बेटा, जीवन कौशल में, जीवन कौशल में आता है। ठीक है, कोई मुझे बहुत बुरी तरीके से याद कर रहा है, मुझे बहुत तेजी से हिचकी आ रही है,
बता दो जल्दी से कौन याद कर रहा है मुझे, जो याद कर रहा है वो जल्दी से क्लास में आ जाओ, ठीक है, डिस्टर्ब ना करो, वहां घर पे बैठ के याद ना करो कि नीति सर की क्लास चल रही है, क्लास में जाना है, जल्दी से आ जाओ भैया क्लास में आ जाओ, याद व्याद ना करो, नहीं तो इस तरह से हिचकी आती रहेगी मुझे, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। चलिए तो आ जाइए क्लास में, घर बैठ के ना याद करिए। देखो सिंपल सी बेटा बात करते हैं, आपको अगर दंड समझाना हो तो जैसे पुरस्कार बताया था आपको कि किसी वांछनीय कार्य को सुखद सहचर्य से जोड़ना क्या है, पुरस्कार है। किसी वांछनीय कार्य को सुखद सहचर्य से जोड़ना पुरस्कार है। उसी तरह किसी अवांछनीय कार्य को दुखद याद से जोड़ना, किसी अवांछनीय कार्य को दुखद, जो कार्य आपको नहीं करना चाहिए वो क्या होता है, अवांछनीय होता है, उसको एक दुखद याद से जोड़ना, जो काम आपको नहीं करना चाहिए था उसके साथ एक दुखद याद जोड़ देते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं बेटा, दंड बोलते हैं। किसी अवांछनीय कार्य को, किसी अवांछनीय कार्य को दुखद याद से जोड़ना, किसी अवांछनीय कार्य को दुखद याद से जोड़ना दंड है, किसी अवांछनीय कार्य को दुखद याद से जोड़ना दंड है, ठीक है बेटा। जब आप कोई काम जो आपको नहीं करना चाहिए आप उसको करते हो, कोई अवांछनीय कार्य करते हो और उसके उसको आपके एक दुखद याद के साथ जब हम जोड़ देते हैं, तो यानी कि आपको दुख, कैसे आपने गलती करी, अब आपको उस पर डांट मिली, तो क्या हुआ, आपका गलती करना अवांछनीय कार्य था, आपका डांट करना एक डांट पड़ना आपको एक दुखद याद थी, तो उसे दोनों से जोड़ दिया, यही दंड है। किसी अवांछनीय कार्य को, किसी अवांछनीय कार्य को दुखद याद से जोड़ना दंड है, ठीक है। मैं वो क्या कहते हैं ये वाला जो बोलते हो आप लोग, जो भी बोलते हो, अंगड़ाई, अंगड़ाई नहीं ले रहा था, ठीक है, सब भूल जाता है, कोई बात नहीं, तो मैं अंगड़ाई नहीं ले रहा था, मैं आपको बता रहा था कि किसी अवांछनीय कार्य को दुखद याद से जोड़ना, किसी अवांछनीय कार्य को दुखद याद से जोड़ना दंड है, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए परिभाषा देखते हैं बेटा, हेडिंग बना लीजिएगा परिभाषा, अलग अलग लोगों ने इसकी परिभाषा दी है बेटा, सभी की परिभाषाएं हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली परिभाषा जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है किसकी, थॉमसन की परिभाषा हम लोग सबसे पहले लेने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं बेटा आराम से एक एक परिभाषाएं देखेंगे। दंड क्या है, दंड क्या है बेटा, तो दंड एक साधन है, दंड क्या है, दंड एक साधन है, दंड एक साधन है जिसके द्वारा दंड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य को दुखद याद से, अवांछनीय कार्य को किसी दुखद भावना से जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, दंड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य को, अवांछनीय अवांछनीय कार्य को दुखद याद से जोड़कर दुखद याद से जोड़कर दूर करने का प्रयास किया जाता है, दुखद याद से जोड़कर दूर करने का प्रयास, दुखद याद से जोड़कर दूर करने का प्रयास दुखद याद से जोड़कर दूर करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है बेटा। तो क्या किया जाता है कि आप कोई ऐसी गलती या कोई ऐसी गतिविधि करते हो, कोई ऐसा कार्य करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए था, उसको आपके जीवन के एक दुखद याद के साथ जोड़ देते हैं, मतलब आपको डांट देते हैं, आपको मार देते हैं, कभी कभी मार भी पड़ जाती है ना, तो मार देते हैं या डांट देते हैं, यानी कि आपको एक दुखद याद से जोड़कर आपके जीवन में आप दोबारा वैसा काम ना करो जिस वो, तो उसको दूर करने का प्रयास करता है कि आप ऐसी दोबारा अवांछनीय गतिविधि, ऐसे अवांछनीय कार्य को दोबारा फिर से कभी रिपीट ना करो, यही दंड है बेटा। किसकी डेफिनेशन है, तो ये थॉमसन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम लोग को देखनी है हरलॉक की डेफिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम्स में पूछी जाने वाली डेफिनेशन है, हरलॉक साहब की डेफिनेशन है, इसको गलती से भी नहीं भूलना है, हरलॉक की डेफिनेशन यहाँ पे पुरस्कार और दंड में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरी बात मान लो, अगर भरोसा करते हो तो याद रखना कि हैडलॉक वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को बताता नहीं हूं, आपको बता रहा हूं, बहुत राज की बात है ये, कि ये वाली डेफिनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हैडलॉक वाली, अपने तक रखना ये वाली बात, किसी को बताना मत कि हैडलॉक की डेफिनेशन पुरस्कार और दंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अवांछनीय कार्य को दुखद सहचर्य से जोड़ना दंड है, सिंपल सी परिभाषा भी है, तो कोई मुश्किल भी नहीं होगी, याद करने में भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, आने तो एग्जाम में चीर देंगे, फाड़ देंगे, एकदम से गर्दा मचा देंगे। अवांछनीय कार्य को दुखद याद से जोड़ना, दुखद याद से जोड़ नहीं जोड़ना बेटा, दुखद सहचर्य से जोड़ना अवांछनीय कार्य को, दुखद सहचर्य से जोड़ना, दुखद सहचर्य से जोड़ना दंड है। अवांछनीय कार्य को दुखद सहचर्य से जोड़ना दंड है, ठीक है बेटा। देख लीजिएगा इन सभी डेफिनेशंस को एक बार, देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। आई बात समझ में बेटा? तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं हम लोग। एक और परिभाषा है बेटा, किसकी? एक परिभाषा है सेना जी की परिभाषा है, सेना ने एक परिभाषा दी है, सेना की परिभाषा है ये, आपकी आर्मी वाली सेना नहीं, एक व्यक्ति है सेना, उनकी परिभाषा है। उन्होंने क्या कहा है दंड के बारे में, कि दंड क्या है, दंड एक सामाजिक निंदा है। दंड क्या है, दंड एक सामाजिक निंदा है, जरूरी नहीं कि इसमें पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो, ठीक है। दंड एक सामाजिक निंदा है, दंड एक सामाजिक निंदा है, दंड एक सामाजिक निंदा है जिसमें जरूरी नहीं, कि कष्ट या पीड़ा, जिसमें जरूरी नहीं कि कष्ट या पीड़ा सम्मिलित हो, में जरूरी तो नहीं कि कष्ट या पीड़ा सम्मिलित हो, ठीक है बेटा। दंड के कुछ सिद्धांत भी हैं, आइए उनको देखते हैं। सॉरी, दंड के सिद्धांत के पहले मुझे एक और परिभाषा याद आ गई, एक और परिभाषा लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम्स के लिए, वो है सदरलैंड की परिभाषा बेटा। एक और परिभाषा देख लीजिएगा, सदरलैंड की परिभाषा है, सदरलैंड की परिभाषा है, बिल्कुल सेना की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषा है, कि दंड व कष्ट या पीड़ा है। वहां उन्होंने भी दंड, इसमें इन्होंने क्या कहा कि कष्ट और पीड़ा, जरूरी नहीं कि दंड में कष्ट और पीड़ा हो, लेकिन इन्होंने क्या कहा सदरलैंड के, कि दंड क्या है, दंड व कष्ट या पीड़ा है। इन्होंने तो मुद्दे की बात कह दी, दंड व कष्ट या पीड़ा है जो जानबूझ कर दी जाती है, जो भाई एक होता है कि गलती से आपको कष्ट दे दिया गया, हम जान नहीं पाए मुझसे गलती हो गई, लेकिन यह जानबूझ कर दी जाती है, दंड व कष्ट या पीड़ा है जो जानबूझ कर दी जाती है, जो जानबूझ कर दंड क्या है, दंड व कष्ट या पीड़ा है जो जानबूझ कर दी जाती है, तथा किसी ऐसे मूल्य द्वारा उचित ठहराई जाती है आपको दंड देना, तथा उसे किसी ऐसे मूल्य द्वारा
तथा उसे किसी ऐसे मूल्य द्वारा उचित ठहराई जाती है, उचित ठहराई जाती है तथा उसे किसी ऐसे मूल्य द्वारा उचित ठहराई जाती है जो उस दंड या पीड़ा में छिपी होती है, जो जो उस दंड या पीड़ा में छिपी होती है, जो उस दंड या पीड़ा में छिपी होती है। आई बात समझ में बेटा? इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि जो आपका दंड होता है, दंड एक सामाजिक निंदा है जिसमें जरूरी नहीं कि कष्ट या पीड़ा शामिल हो, यह सेना की परिभाषा है। लेकिन सदरलैंड ने इसका जस्ट उल्टा बोल दिया कि दंड व कष्ट या पीड़ा ही है। दंड क्या है? कष्ट और पीड़ा है जो जानबूझकर आपको दी जाती है, जो जानबूझकर आपको दी जाती है तथा उसे किसी ऐसे मूल्य द्वारा उचित ठहराया जाता है, उसे किसी ऐसे मूल्य द्वारा उचित ठहराया जाता है जो उस दंड या पीड़ा में छिपा होता है। मतलब उस आपको एक उसमें एक ऐसा वैल्यू दिया जाता है, एक ऐसा मूल्य छिपा होता है, मूल्य उचित को ठहराया जाता है कि आपने ये गलती की थी, ये ऐसा होना चाहिए था, तो उस गलती के जरिए आपको जो पीड़ा होती है उसके जरिए उसको उचित ठहराया जाता है कि हाँ आपको ये दर्द जरूर हुआ लेकिन आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। इसलिए कहा है किसने, सदरलैंड ने ये वाली परिभाषा दी है। किसने ये वाली परिभाषा दी है बेटा? तो सदरलैंड ने दी है। आपकी ये वाली परिभाषा किसने दी है? तो सदरलैंड ने दी है। इसके बाद बेटा हम लोग को देखना है दंड के कुछ सिद्धांत। हेडिंग बना लीजिएगा, दंड के सिद्धांत। दंड के सिद्धांत। अब बेटा दंड के कुल चार सिद्धांत बताए गए हैं। दंड के कुल चार सिद्धांत बताए गए हैं, पहला दूसरा। पहला दूसरा देख लेते हैं। पहला जो बेटा सिद्धांत है वो है सुधारात्मक दंड। मतलब आपको जो दंड आपके अंदर बेहतर हो जाए, आप सुधार कर ले जाओ अपने अंदर, इसको बोलते हैं बेटा सुधारात्मक दंड। दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है प्रतिशोधात्मक दंड। क्या होता है? प्रतिशोध लेने के लिए जब दंड दिया जाता है आपसे, मैं बदला लेने के लिए आपको पीड़ा दूं, दर्द दूं कि मेरा कहना नहीं मानते हो, तो इस चीज के लिए जब मैं आपको दंडित करने लगूं, अपना आंसर ना बताइए, आपके भले के लिए एक दंड हुआ, ठीक है? तो ये हुआ आपको आप में सुधार करने के लिए दंड दिया गया, तो एक सुधारात्मक दंड होता है। अब आप राहुल सर की क्लास में आते हो, सोनी सर की मैथ्स वाली क्लास में आते हो, आप रीजनिंग की क्लास में आते हो, लेकिन सीडीपी पढ़ने मेरी क्लास में नहीं आते हो। अब हम मिल गए, अब हम दुई थप्पड़ धड़ धड़ लगाएं तुमका, क्या हुआ? प्रतिशोधात्मक। अंदर से जले भुने बैठे रहे, इनकी सीडीपी पढ़े नहीं आवत, राहुल सर के क्लास में आवत, मिलो बेटा तुमका बताई थन, और जहां मिले लगाए दुई दुई, तुम समझो नहीं पाए क्या हुआ आए? लेकिन मेरे अंदर क्या था? प्रतिशोधात्मक दंड था। क्या था? ये प्रतिशोध लिया मैंने आपसे। हालांकि उम्मीद मत करिएगा आइएगा या ना आइएगा, कभी इस बात पे टेंशन मत लीजिएगा, ये सारी चीजें मेरे अंदर नहीं है। एक होता है बेटा आपका अवरोधात्मक दंड। जब आपको रोकने के लिए, किसी काम को करने के रोकने के लिए लगाया जाता है तो वो होता है अवरोधात्मक दंड। जब आपसे कोई रिजल्ट की उम्मीद करते हैं हम कि आप बेहतर रिजल्ट दोगे, आपके रिजल्ट के लिए जब आपसे को दंड दिया जाता है कि आपने जैसा मेरी चाहत थी, जैसा मैं चाहता था, आपने परफॉर्म नहीं किया, तो ये हो जाता है क्या बेटा? ये हो जाता है आपका परिणाम बोधक दंड। तो कुल चार प्रकार के दंड बताए गए हैं, सुधारात्मक दंड, सुधारात्मक दंड, अवरोधात्मक दंड, प्रतिशोधात्मक दंड, प्रतिशोधात्मक दंड एवं परिणाम बोधक दंड। परिणाम बोधक दंड, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत लगती है किसी भी पार्ट में तो बताइए जल्दी से। चलिए बेटा, तो बहुत बढ़िया, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि किसी के कोई भी कमेंट नहीं आए हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग बेटा, दंड के प्रकार देख लेते हैं कि कितने प्रकार से आपको दंडित करना है। आपको पता है कि दंड देने वाला पार्ट प्रकार तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसको मैं बहुत अच्छे से बहुत दिल से पढ़ाऊंगा दंड के प्रकार, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से प्रकार के दंड आपको मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे मजा आने वाला है, देखते हैं कि कौन कौन से दंड के प्रकार। दंड में तो जानते हो हमेशा मजा आता है, दंड के प्रकार, ठीक है बेटा? हालांकि टेंशन मत लो,
अब तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो आपको दंड देने का अधिकार मेरा नहीं है मालिक, माफ करिएगा गलती हो गई, कहीं गलती से थाने में जाके कह दीजिएगा किस कह रहे थे कि पढ़ ले नहीं तो बता देंगे नहीं तो तुमको कूट देंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, कहीं किसी पुलिस थाने में जाके ना कह देना कि कह रहे थे पढ़ लो नहीं तो कूट देंगे, नहीं तो हम उठा लिए जाएंगे रातों रात, ठीक है। तो बड़ा डर लगता है हमको आजकल के बच्चों से, ठीक है। तो हमने दंड वंड कभी नहीं दिया, हम भैया माफी चाहते हैं आपसे, गलती हो गई मालिक, ऐसा काम कह दिए। चलिए तो बेटा पहली बात बात करते हैं हम लोग दंड की, तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वो पहला प्रकार होता है किसका, शारीरिक दंड। पहला कौन सा प्रकार होता है, पहला प्रकार होता है बेटा आपका शारीरिक दंड। दूसरा क्या होता है, पहला आपको शारीरिक दंड हम देंगे, दूसरा देंगे आर्थिक दंड। 50 रुपए का फाइन लगा दिए, आज हिंदी में बोल दिए स्कूल में, ब्लैक बोर्ड मेरा तोड़ दिए, आर्थिक दंड दे सकते हैं आपको, हम मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं, है? नहीं पड़त कुछ ना कह पाई हो तुम जिंदगी में, तुमसे कुछ ना होने वाला है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम लीडर हो, तुम पागल हो, तुम कामचोर हो, सब बता दिया। क्या हुआ आपको मानसिक रूप से हम क्या कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं आपको, मानसिक दंड दे रहे हैं, ठीक है। आपको मानसिक दंड दे सकते हैं और बताइए मनोवैज्ञानिक दंड दे सकते हैं, जब आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर मेंटली टॉर्चर करें, मनोवैज्ञानिक दंड होता है एक, मनोवैज्ञानिक दंड। जब साइकोलॉजिकली आपको कोई डिस्टर्ब करे, आप डिप्रेशन में जाने लगो, तो क्या होता है मनोवैज्ञानिक दंड। और एक होता है कि पूरे समाज के सामने आपको हम ले जाएं और धर बेइज्जती करें, मतलब जब अथाह बेइज्जती करें आप रोज हो सबके सामने, तो क्या होता है सामाजिक दंड। आप भी क्या उम्मीद करते हो, पापा अकेले में कुछ भी कह लेना, लेकिन जब वहां शादी में चलना तो चार रिश्तेदारों के सामने हमको कुछ बोलना नहीं, घर लौट के आना जितना मन करेगा उतना डांट लेना प्लीज पापा, वहां कुछ ना कहना, क्या है ये एक सामाजिक दंड से बचने का उपाय है। आप क्या चाहते हो कि समाज में आपकी एकदम चंगी इज्जत बनी रहे, घर पे आए कूट लियो लेकिन वहां कुछ ना कहो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सामाजिक दंड। आपको बेटा सभी दंड समझ में आ गए। हाँ एक चीज और इसमें देख लीजिएगा कि जो पहला वाला टाइप है आपका शारीरिक दंड, ये निषिद्ध है बेटा, ये क्या है, ये निषिद्ध है, ये किसी को भी, ना माता को ना पिता को, किसी को भी अलाव नहीं है आपको ये वाला दंड देने का। चलिए इसको फिर से अच्छे से लिख लेते हैं, नहीं तो बड़ा हौच-पौच हो गया है। क्या है ये वाला दंड बेटा, तो ये वाला दंड जो है ये निषिद्ध है, मतलब पूर्णतया बैंड है, ये वाला दंड का प्रकार कोई भी प्रयोग नहीं कर सकता, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे वो आपका अध्यापक हो, ना आप मुझे मार सकते हो ना मैं आपको मार सकता हूँ, ये ना सोचना तुम्हारे लिए छूट है, ना मैं आपको मार सकता हूँ ना आप मुझे मार सकते हैं, ना मम्मी पापा आपको मार सकते हैं। शारीरिक दंड, हम हाथ उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है, तो शारीरिक दंड बेटा क्या है, शारीरिक दंड निषिद्ध है। चलिए तो ये वाली बात दंड के प्रकार हो गई। अब बहुत ही आसान सा टॉपिक है आपका दंड, पुरस्कार और दंड। इसके बाद दंड देते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या होती हैं, कि आपको कौन कौन से कैसे कैसे दंड देते हैं, दंड से दंड ध्यान देते समय सावधानियां। दंड देते समय बेटा क्या सावधानियां, कौन कौन सी सावधानियां हम लोग को बरतनी चाहिए जब हम किसी को दंड दे रहे हो। तो बिल्कुल दंड अपराध के अनुकूल हो, ये नहीं कि हमने आज होमवर्क नहीं किया और आपने हमको मार बेते बेत लाल कर दिया, तो दंड क्या है, जैसी गलती हो उस अपराध के अनुकूल होना चाहिए। अब पता चला कि आप हमने किसी के दुकान से एक रोटी चोरी कर ली, जज साहब ने कहा चढ़ा दो उसको फांसी पे, इसने रोटी चोरी कर ली, रोटी तो यार भूख लगी थी, हाँ उससे गलती हुई, उसको उस व्यवहार को सुधारना है तो उसको कोई काम दो, उसको कुछ लायक सजा दे दो, दो दिन की जेल दे दो, उस रोटी की कीमत दे उसको, कमा के उसको पे करने को कह दो, ये सारे दंड अलगू। आप एक रोटी चुराया उसके लिए चढ़ा दो फांसी, आई बात ना होगा ना, तो दंड कैसा होना चाहिए, दंड अपराध के अनुकूल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दंड, दंड कैसा होना चाहिए बेटा, दंड अपराध के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा क्या है बेटा, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दें, ये वाली बात आप लोगों को देखिएगा अभी सबसे ज्यादा समझ में आएगी, अभी देखिएगा कैसे। अभी देखिएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये वाला प्रकार, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दें,
इसमें अभी देखिएगा आप लोग खुद को कैसे कनेक्ट करते हैं, अभी देखिएगा कैसे कनेक्ट करवाता हूं इसका एग्जांपल। जब आप कोई गलती करते हो तो आप क्या कहते हो, मम्मी 2 घंटा आप मान लो, हमका 2 घंटा मान लो, लेकिन ये बोलना जो आप दिन भर बोलती रहती हैं बंद कर दो, बार बार ना बोलो हो गई गलती मम्मी माफी मांग रहे हैं गलती हो गई, लेकिन बार बार ना बोलो, 1 घंटा आप धर दो इप्पा, 1 घंटा आप धर दो इप्पा, लेकिन बार बार हमसे हमको बोलो ना, हमको बहुत चिढ़ होने लगी, हमको बहुत दिक्कत हो रही है, हमको बहुत टेंशन हो रही है, इसलिए बार बार ना बोलो, ऐसा होता होगा सबके साथ। तो क्या कहा गया कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दे, एक गलती के लिए बार बार दंड ना दे, ठीक है। दंड देते समय क्या करना है, दंड देते समय गंभीर रहना है, ये नहीं कि मार भी रहे हा 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 हा, बच्चा आपको क्या जिंदगी में उसको लगेगा मजाक चल रहा था ये, तो फिर वही गलती करेगा। तो दंड देते समय गंभीर रहे। ताकि बच्चे को एहसास हो कि उसकी गलती में भी गंभीरता थी, भाई बच्चे को भी तो उसकी गलती का एहसास कराना है। तो जब आप थोड़ा सा गंभीर रहेंगे तो बच्चे को लगेगा क्या कि हाँ उसे सचमुच में लग रहा है कोई गलती हो गई हो। आप हंस हंस के उसको डांट रहे हो, हंस हंस के उसको डांट रहे हो, उसको एहसास ही नहीं होगा अपनी गलती का। तो दंड देते समय क्या होना है, दंड देते समय गंभीर रहना है, दंड देते समय पक्षपाती नहीं रहना है कि अगर भैया से गलती हुई तो बहन को नहीं, मतलब बहन को भी ठोक दिया, या बहन से भी गलती हुई तो भाई को भी ठोक दिया, जिसकी गलती हो भाई उसी को ठोको। अब ये मैं आपको एक छोटे छोटे आपसे लाइफ से डेली कनेक्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप अपने इसको हिसाब से हर जगह अपने अपने लेवल से समझ लीजिएगा कि हाँ जैसे जज साहब हैं उनका रिश्तेदार है तो ये नहीं कि उसको बेल दे दिया, बाकी कोई उसका दोस्त था उसके सर पे सारी गलती मर दी, वो वाला काम नहीं करना है। दंड देते समय पक्षपात नहीं करना है। दंड देते समय पक्षपात नहीं करना है, मतलब जिसकी गलती हो उसको भरपेट सजा दीजिए, जिसकी गलती हो उसको भरपेट सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। हो सके तो दंड शारीरिक ना दें। हो सके तो दंड जो है उसको शारीरिक ना दें। हो सके तो दंड शारीरिक ना दें। दंड समय अनुकूल हो, मतलब समय के अनुसार हो। दंड समय अनुकूल हो, मतलब समय के अनुसार भी दंड देना चाहिए, जैसे गलती के अनुसार समय, वैसे ही दंड मतलब गलती गलती की गंभीरता के आधार पे आप देते हो, वैसे दंड समय अनुकूल होना चाहिए। एक और पॉइंट देख लीजिए बेटा, एक और लास्ट का पॉइंट देख लीजिए कि बालक की क्षमता अनुसार हो, बालक की क्षमता अनुसार हो, कि बालक उसको बर्दाश्त कर पाए। पता चला उसको दौड़ा दियो, 6 साल का बच्चा, उसको कहो जाओ 50 राउंड मार के आओ पूरे अपने प्लेग्राउंड के, वो रस्ते में पड़ा बेहोश है, बेटा केस हो जाएगा मास्टर साहब, जेल चले जाओगे। तो बालक की क्षमता अनुसार दंड दें, बालक की क्षमता अनुसार दंड दें, ताकि वो उसको झेल सके, ताकि वो उसको झेल सके। तो बेटा इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको देख लीजिए अच्छे से इसका, क्योंकि आपको अगर दंड देना है तो ये सावधानियां आपको पता होना चाहिए। अगर आपको दंड देना है तो ये सावधानियां बेटा आपको पता होनी ही चाहिए, हर हाल में पता होनी चाहिए आपको ये सावधानियां, ठीक है। आई बात समझ में बेटा? चलिए तो और देख लेते हैं इसमें हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं मेरे बच्चा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसमें कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं बेटा, दंड से कुछ लाभ देख लेते हैं, ठीक है। दंड से होने वाले कुछ लाभ को देख लेते हैं बेटा, हेडिंग बनाइएगा दंड से लाभ, कि दंड से लाभ क्या होते हैं। अच्छा बताइए दंड से क्या होगा, कौन सा लाभ होगा। पहली चीज तो ये कि आपके अंदर सुधार होगा, आपके अंदर सुधार होगा, क्या होगा, अनुशासन की भावना आएगी, हर काम अब टाइम से होगा, अनुशासन की भावना आ जाएगी, अवांछनीय व्यवहार पर रोक लग जाएगी, मतलब
जो काम नहीं पसंद होगा कि आपको लगेगा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उसको करते समय 1000 बार सोचोगे, 1 बार दंड मिलेगा, तो अवांछनीय व्यवहार पर रोक लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो बेटा यही है कि आपके अवांछनीय व्यवहार पर रोक लग जाती है, अवांछनीय व्यवहार पर रोक लग जाती है। और क्या है, बाकियों के लिए ये सबक हो जाती है, अन्य के लिए सबक होती है, मतलब आप जिस गलती के लिए एक बार कूट दिए गए हो, वो गलती अब आपके भाई बहन तो गलती से भी नहीं करेंगे, क्योंकि देखें देख चुके हैं वो बेचारे कि कितना कूटे गए थे आप, वो देख चुके हैं बेचारे कि कितना कूटे गए थे आप जब वो वाली गलती की थी, तो क्या वो ऐसी गलती दोहराएंगे, वो ऐसी गलती जिंदगी में नहीं दोहराएंगे। तो कोशिश करिए कि अपने भाई बहन जिस चीज पे कूटे गए हो उनसे आप सीखे, ना कि आप जिस पे कूटे गए हो उन पे आपके भाई बहन सीखे, ऐसी वाली स्थिति कभी मत पैदा करिएगा। कोशिश ये करिएगा कि जिन पे वो कूटे जाते हैं उनसे आप सबक लीजिएगा। आप मेरे स्टूडेंट हो इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ, नहीं तो बताता नहीं हूँ किसी को। कूटे जाओ, हम भी कूटे गए थे, तुम भी कूटे जाओ, वही वाला हाल होगा फिर, तो समझदार होना, समझ गए होगे। एक और हेडिंग बना लीजिएगा बेटा, लास्ट है हानियां, दंड से क्या क्या हानियां हैं। बहुत सिंपल सी बातें हैं कि दंड से कौन कौन सी हानियां हैं। देखो, दुश्मनी की भावना का विकास हो जाता है कहीं ना कहीं, आप हमेशा कूटे गए, आपका भाई बहन कूटा जा रहा है, या फिर जिसको दंड मिलता है वो रख लेता, अच्छा आज तुमने मेरे मुझे मार कैसे दिया, तुमने आज मारा कैसे, मिलो तुम बताते हैं तुमको, आज तुमने मारा कैसे, मिलो बाहर बताते हैं, बिल्कुल ये वाली भावना का विकास होता है। तो दुश्मनी की भावना का विकास, दुश्मनी की भावना का विकास हो जाता है मेरे बच्चा। और क्या होता है, और क्या होता है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, जल्दी से बताओ। दुश्मनी की भावना का विकास होता है, और दंड से क्या हानि होती है बताओ, तभी लिखूंगा। दुश्मनी की भावना का विकास, और बताइएगा, एक लास्ट लिख लीजिएगा, दंड मिलने पर भी अपराध करना रुकना। भाई आदमी समझ जाता है कि अगर हमने चोरी की है आप क्या करोगे, जज साहब ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे बताओ, 2 साल की जेल कर लियो, होमवर्क नहीं करें क्या करोगे, क्लास से बाहर कर दोगे, कर दो क्लास से बाहर, हम तो वहां मस्ती करेंगे, हाथ ऊपर करके खड़ा करा दोगे, कर ले कोई दिक्कत नहीं, 4 डंडा मार लेंगे ज्यादा ज्यादा, नहीं करेंगे होमवर्क, क्या होता है। तो दंड मिलने पर भी अपराध का ना रुकना, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि आपको पता चल जाता है, इंसान को पता चल जाता है कि ज्यादा से ज्यादा ये कर क्या लेंगे मेरा, और जब तक उस चीज का दंड का डर बना रहता है, जब दंड मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आदमी निर्भीक हो जाता है, और जब तक उस दंड का डर बना रहता है तो कोशिश क्या करनी है कि दंड नहीं देना है, दंड का डर बना के रखना है, दंड नहीं देना है, उस दंड का डर बना देना है कि अगर ऐसा होगा तो सोच लो कि क्या होगा। जिस दिन दंड दे दिए और बच्चा जान गया कि आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, उस दिन से शायद वो और बिगड़ जाए, इसलिए दंड नहीं देना है, दंड कोशिश करिए कि ना दीजिए, दंड का डर बना के रखिए, ठीक है। बहुत बड़ी चीज है डर, डर बनाओ अपना, डर होना चाहिए, आंखों में डर होना चाहिए, दंड मिलने पर भी अपराध ना रुकना। तो ये थे बेटा आपके दंड की कुछ हानियां, और ये कंप्लीट होता है यहीं पर आपका दंड और पुरस्कार और दंड वाला टॉपिक, दंड और पुरस्कार का टॉपिक बेटा यहीं पे आपका खत्म होता है। चलिए एक बार देख लीजिएगा कि आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पुरस्कार और दंड की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, जो चीजें बेटा नहीं समझ में आई होंगी उनको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम लोग उस चीज पे दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं कि क्लास खत्म हो गई, आप पूछे हैं तो पूछे कैसे, ये चीज तो समझाई नहीं, कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उस पर हम लोग बकायदा अच्छे से बात कर लेंगे, आपको आपका नाम लेके पुकार लेंगे कि बेटा तुमने ये वाली चीज पूछी थी आज हम बताने आए हैं। क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा एक चीज कि 2 बजे हम लोग बेटा डेली मिलते हैं थ्योरी वाली क्लास में, जैसे अभी आप आए हो तो 2 बज रहे हैं, थ्योरी वाली क्लास चल रही है, अभी आप 2 बजे थ्योरी वाली क्लास में मिलते हो, फिर 4 बजे हम लोग मिलते हैं, कहाँ पे 4 बजे मिलते हैं, 1 जून से हम लोग मिलेंगे, 1 जून से बेटा मिलेंगे हम लोग शाम को 4 बजे, ये होगा आपका इंग्लिश वाले बच्चों के लिए विशेष बाइलिंगुअल क्लास, जहां पर हम लोग एकदम स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं, तो जो लोग इंग्लिश के हो उनके लिए तो गुड इनफ,
जो इंग्लिश के नहीं हो, हिंदी से हो, तो वहां पर आपको कंटेंट और डेफिनेशन वगैरह सब कुछ हिंदी में भी मिलेगा, एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। तो हिंदी वालों में कोई भी, हिंदी और इंग्लिश से कोई भेदभाव नहीं रहेगा उस वाले बैच में। तो 4 बजे जो लोग शुरू से पढ़ना चाहते हो कि हाँ सब कुछ पढ़ना है, वो लोग 1-4 बजे इंग्लिश CDP पढ़ने आएंगे। इंग्लिश और हिंदी यानी कि बाइलिंगुअल रहेगा ये। कैसा रहेगा? बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, यहाँ पे दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे। बाइलिंगुअल वाले बैच में भी आएंगे ये लोग। और शाम को 6 बजे जो है वो तो हम लोग एकदम फिक्स है, वहां तो आप लोग आ जाते हो। 6 बजे हम लोग मिलते हैं बेटा, कहाँ पे? 6 बजे मिलते हैं हम लोग अपने बाल विकास, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो 6 बजे आना नहीं भूलना है। कहाँ पर? प्रैक्टिस क्लास में। 4 बजे नहीं भूलना है। अगर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो तो 4 बजे आपको बाइलिंगुअल CDP हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाई जाती है, इस वाली बैच में आना है। और 2 बजे तो आप पढ़ ही रहे हो, 2 बजे थ्योरी वाली क्लास, लगभग इसका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। जीवन कौशल का थोड़ा बहुत टॉपिक बचा है, थोड़ा बहुत टॉपिक बचा हुआ है आपका शिक्षण कौशल का, नाम मात्र के टॉपिक बचे हैं शिक्षण कौशल में, और थोड़ा बहुत टॉपिक बचा है आपका जीवन कौशल में। मामूली 10 या 15 दिन का टॉपिक रह गया होगा, उसको हम लोग खत्म कर लेंगे तो बहुत जल्दी ये वाला बैच आपका क्लोज हो जाएगा। ये वाला बैच एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से आपको पढ़ाएगा। तो इस वाले बैच में कोशिश कर देना है कि 1 तारीख से जरूर आना है, तब तक इस वाले बैच में बने रहिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी एंड थैंक्स टू ऑल फॉर बीइंग लाइव विद मी। थैंक यू बेटा। आपको कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। टिल देन टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।